Hey guys, welcome back to Brain Eaters. So in today's video, we will be talking about IMP questions for RES. So basically, in this video, I'll tell you what are the IMP concepts, and if you want to score more and need more materials, from where can you get the materials? Like where are the BH materials available? How to access them, etc., etc. Firstly, talking about the IMP concepts, so we have nearly around 16 questions for you all, जो हम चार सेक्शन में करने वाले हैं. सेक्शन वन सेक्शन टू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू फिनिश दैट फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन सेक्शन थ्री सेक्शन फोर. टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू हियर इज डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिमिटेशन एंड स्कोप फॉर अ सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप्स मशीन्स विद द हेल्प ऑफ नीड स्केचेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस फॉर जून 21 एट द लैटिट्यूड ऑफ 10 डिग्री नॉर्थ इफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी आर गिवन एज इक्वल टू 0.30 एंड 0.51 रिस्पेक्टिवली एंड द रेशियो एन ऑन एन इज इक्वल टू 0.55. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब सॉरी डिफाइन स्लोप जेनिथ एंगल एंड सर्फेस एजिमथ एंगल एयर मास. So you need to like define these, and this particular question can nearly come for 5 marks. So totally 4 questions for section one. Let's go to section two, wherein the first is strategy for meeting the future energy requirements in India. Next is describe working of solar pumping systems with need sketches. Next is with a sorry write a note for prospects of geothermal and renewable energy in India. Next is describe working of closed cycle OTEC system with help of need sketches. सो गाइस, दीज आर द 8 क्वेश्चंस जो आपको ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस करने हैं. इसके आंसर्स अवेलेबल है इन द BH नोट, सो मेक श्योर यू चेक इट. एंड देर आर मोर क्वेश्चंस अवेलेबल एज वेल, सो इफ यू नीड देम यू कैन श्योरली डाउनलोड द ब्रेन ईटर्स ऐप एंड गो अहेड विद योर प्रिपरेशन. टॉकिंग अबाउट सेक्शन थ्री, द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज शॉर्ट नोट ऑन स्टेट फिजिक्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक्स. एंड नेक्स्ट इज साइट सिलेक्शन फॉर विंड मिल्स. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस फॉर एनर्जी ऑडिट. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप विंड टर्बाइन विद द हेल्प ऑफ नीड स्केचेस. सो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरिन यू हैव टू डू मल्टीपल शॉर्ट नोट्स. मेक श्योर यू गाइस प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट फ्रैक्शन फ्रॉम अ विंडो पावर. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्केचेस एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस. Next is discuss the various working of flat plate collectors using air as working fluid with the help of neat sketch. So guys, these 4 questions you have to do for section 3. Let's go to section 4, wherein the first is explain the concept of total energy system in India. Next is basic sun earth angles in detail. Next is discuss the analysis of aerodynamic forces acting on windmill's blade. नेक्स्ट इज फ्यूल सेल्स एंड टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स. सो गाइस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन जो आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स के लिए या फिर एक इनिशियल प्रेपरेशन के लिए करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू आर वंडरिंग कि आपको ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द क्वेश्चन इन द ब्रेन इटर्स प्लान. उसमें आपको 3 प्लान मिल जाएंगे, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर एम इज टू स्कोर, आप पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो, आप एवरेज मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो, एंड आप स्कोरिंग के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हो. इन सबके आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है BH नोट्स में. वंस यू डन विद द BH प्लान्स, गो टू द BH क्वेश्चन बैंक्स. आपको मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें. सो चैप्टर 1 में से कितने करने हैं, चैप्टर 2 में से कितने करने हैं, चैप्टर 3 में से करने हैं, एक प्रॉपर काउंट अवेलेबल है वहां पे. सो यू गाइस चेक दैट एज वेल. सो अगर मैं आपको समरी दूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जस्ट गो टू द ब्रेन ईटर्स ऐप, पहले प्लान्स करो, फिर क्वेश्चन बैंक्स करो, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम. ओके, सो यू नीड नॉट वरी, वी हैव लाइक कवर्ड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो आपको करना है इसमें. एंड अगर आप एग्जाम के एक रात पहले भी, लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू फिनिश एवरीथिंग अप, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू लाइक स्मार्टली कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव मेंशनड. सो आई होप दिस सॉल्व्स योर डाउट फॉर हाउ टू पास और स्कोर. बिफोर लाइक एंडिंग अप दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको कोई भी रेफरेंस बुक की जरूरत हो या ऐसे कोई डाउट हो या मटेरियल्स चाहिए हो, यू कैन ज्वाइन अ व्हाट्सएप कम्युनिटी. आर टीम इज एक्टिव 24/7. आपको ड्राइव लिंक्स, फिर आंसर्स, क्वेश्चन बैंक्स, वाइवा क्वेश्चंस, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में. फॉर मोर अनाउंसमेंट्स एंड अपडेट्स, आप ब्रेन ईटर्स इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो. जॉब अपडेट्स होते हैं, एकेडमिक अपडेट्स होते हैं, टाइमलाइंस होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं, एवरी अपडेट इज पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम. सो यू कैन लाइक फॉलो अस देयर एज वेल. यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अस ऑन लिंक्डइन. Also, if you are looking for any job or you are looking for any non-technical internship,
Our career page is definitely open for you all. I'm putting the link in the bio. You can check that up. You can apply and our team will get back to you. Okay, so I guess this is it for this particular video. और आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए या कोई और डाउट है, कोई और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सारे हाउ टू पास क्वेश्चन मिल जाए एंड आप इजिली फिगर कर सको ये सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करना है, इवन इफ इट इज़ वन नाइट प्रायर. ओके, सो ये आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.